जय सीताराम, जय राधे श्याम। मित्रों, आज की इस जानकारी को अवश्य देखें। जिनकी वृष राशि है, यानी सेकंड नंबर की राशि, जिनकी चंद्र राशि वृष है, या फिर लग्न में दो नंबर लिखा हो, फर्स्ट हाउस में दो नंबर, तो वह भी इसको देख सकते हैं। तो यह भविष्यवाणी जो होगी 2023 के अक्टूबर से लेकर के आगे 2025 तक की भविष्यवाणी है। 2024 में क्या होगा, 23 के अंत में क्या होगा और 25 में क्या होगा, इन सभी बातों की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। तो आज हम परिवर्तन की बात करेंगे कि कौन से ऐसे प्लैनेट हैं जिनके परिवर्तन के कारण आपके जीवन में बहुत परिवर्तन होने वाले हैं। वह प्लैनेट्स हैं गुरु, देव गुरु बृहस्पति, जो कि एक राशि में एक साल तक लगभग रहते हैं। दूसरे हैं शनिदेव, शनिदेव लगभग 2.5 वर्ष तक एक भाव में विराजमान रहते हैं और अपना परिणाम देते हैं। तीसरे राहु और केतु, जो कि 18 महीने के लिए एक राशि में स्थान अपना रखते हैं, उसके बाद स्थान परिवर्तन कर लेते हैं। यानी यह लंबी अवधि तक यह चार ग्रह रहते हैं और इनके अनुसार व्यक्ति के जीवन में बहुत प्रभाव पड़ता है और यह अच्छा या बुरा प्रभाव अपना देने में पूर्णतः समर्थ है। देव गुरु बृहस्पति, शनि, राहु, केतु, तो इनके गोचर के बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वृष राशि के बारे में। तो वृष राशि आप देख सकते हैं अपने जन्म कुंडली की जो चंद्र कुंडली है, या फिर किसी के भी दो नंबर लिखा हो, कुंडली के सबसे फर्स्ट हाउस में दो नंबर लिखा हो, तो वृष लग्न वाले भी इसको देख सकते हैं। बात करेंगे देव गुरु बृहस्पति, जो कि काफी लंबे समय से मेष राशि में राहु के साथ चंडाल दोष बना करके बैठे हैं, जो कि अब 30 अक्टूबर को राहु से मुक्त हो जाएंगे। राहु मीन राशि में चले जाएंगे एक राशि पीछे, और देव गुरु बृहस्पति मेष राशि में ही अप्रैल तक रहेंगे। राहु 18 महीने तक मीन राशि में रहेंगे और अपना रिजल्ट देंगे, वो मैं आगे बताऊंगा कि क्या रिजल्ट देंगे। दूसरी चीज, केतु तुला राशि को छोड़ करके कन्या राशि में प्रवेश करेंगे 30 अक्टूबर के दिन, और 18 महीने तक कन्या राशि में ही अपना रिजल्ट देंगे। और शनिदेव महाराज 11 नंबर में, यानी कुंभ राशि में विराजमान है, तो यह 2.5 वर्ष तक, यानी लगभग मई 2025 तक 11 नंबर में ही रहेंगे। क्योंकि लंबी अवधि है इनकी, इसलिए इनका जो गोचर होता है, गोचर में जो रिजल्ट मिलता है, वह व्यक्ति के जीवन को पलट के रख देता है। तो शुरू करते हैं आज की जानकारी। नमस्कार, मैं हूं पंडित आशीष शर्मा। आज एक नई जानकारी के साथ आप सभी के सामने उपस्थित हुआ हूं। बात करेंगे सबसे पहले वृष राशि में बैठे गुरु और राहु। तो मित्रों, वृष राशि में ये मान के चलें कि आप गुरु और राहु का जो चंडाल दोष बना हुआ था या बना हुआ है 30 अक्टूबर तक, वह 12वें भाव में बना हुआ है। 12वां भाव किस चीज़ का होता है? खर्चे का, हॉस्पिटल का, बिना मतलब की वेस्टेज का, ये कह सकते हैं हम कोर्ट कचहरी का, पुलिस स्टेशन का, ब्लेम का, या फिर इसमें फॉरेन से रिलेटेड, यानी ट्रैवलिंग, PR होना, बाहर जाना, वीज़ा आना, ये सब चीज़ें जहाँ पर राहु और गुरु चंडाल दोष बना करके आपकी गोचर कुंडली में बैठे हैं, या फिर वृष राशि की कुंडली में बैठे हैं 12वें भाव में। तो 12वां भाव कई समय से, काफ़ी समय से आप लोग बहुत परेशान हैं 12वें भाव में। जो तो बाहर जाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत समस्या आ रही है, बार बार दिक्कतें आ रही हैं, कभी कुछ प्रॉब्लम आना, कभी कुछ प्रॉब्लम आना। खर्चे के भाव में जब कोई ग्रह ऐसा बैठ जाता है चंडाल दोष बना करके, बिना मतलब का अननेसेसरी खर्चा भी होता है। कभी हॉस्पिटल में निकलता है, बीमारी में निकलता है, कभी किसी का अचानक से कोई ब्लेम लग जाना, तो इसमें प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा क्रिएट होती है। लेकिन अब 30 अक्टूबर को यही राहु जो है मीन राशि में, यानी आपके डिजायर वाले स्थान में 11वें भाव में मूव कर जाएंगे, और 12वें भाव में केवल गुरुदेव बृहस्पति रह जाएंगे। और बृहस्पति आपके जितने भी फॉरेन से रिलेटेड समस्याएं हैं, या फिर कोई हॉस्पिटल का काम आप कैसे चल रहा है,
कोई बार बार दवाइयों का काम चल रहा है, उसमें आपको निजात मिलेगी। और आपके पास अचानक से कोई राहु के कारण, जब राहु 11 नंबर में प्रवेश करेगा यानी 11वें भाव में प्रवेश करेगा 30 अक्टूबर को, उसके बाद 18 महीने तक इन्होंने आपके कई काम सिद्ध कर देने हैं। बस इसमें एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ये आपको गलत राह चलाकर भी या 2 नंबर के तरीके से भी पैसा दिलाएगा, धन दिलाएगा, तो आपको उसमें थोड़ा बच करके रहना है। क्योंकि अगर ये दिलाता है, छप्पर फाड़ के देता भी है, तो उसमें क्या होता है कि आगे जब इसकी ड्यूटियाँ चेंज होती हैं तो आगे जाके निकाल भी लेता है, वसूल भी कर लेता है। यदि आप ईमानदारी से अपनी मेहनत करके कमाएंगे तो राहु सक्षम है आपको देने में सब कुछ, क्योंकि वह ऐसी जगह पे जा रहा है वृष राशि वालों की जन्म पत्रिका में यानी कि राशि में 11वें भाव। 11वां भाव में कोई भी ग्रह आता है वह अपना पूर्णतः फल दे करके जाता है। अब काफ़ी लंबे समय, 18 महीने कोई कम नहीं होते, बहुत ज़्यादा होते हैं, 1.5 साल लगभग। तो 1.5 साल में आपको वहाँ से कहाँ पहुँचाएगा आप स्वयं देखिए। राहु 11वें भाव में अचानक से आपको कोई लाभ दिलाएगा, कोई पैसों का लाभ, धन का लाभ, कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको। अब यहाँ पर बैठ करके यह 3 दृष्टियाँ अपनी डालता है। सबसे पहली दृष्टि होगी 5वीं दृष्टि, जो कि आपकी पराक्रम भाव में होगी। पराक्रम हार्डवर्क, जहाँ से हम मेहनत को दिखाया जाता है। तीसरा भाव मेहनत का होता है, पराक्रम का होता है, छोटे भाई बहनों का होता है और ट्रैवलिंग का होता है। तो छोटे भाई बहनों के साथ थोड़ा मतभेद जरूर हो सकता है, तो इसमें सतर्क रहें, कोई वाद विवाद ना करें। ट्रैवलिंग के आपके बहुत ज़्यादा चांस हैं, छोटी मोटी यात्राएं आपकी होंगी। तीसरी चीज़ पराक्रम, थोड़े से पराक्रम से आपको बहुत लाभ ये राहुदेव देंगे यहाँ पे। दूसरी दृष्टि इनकी पड़ती है 5वें भाव में। 5वें भाव जहाँ पर ऑलरेडी केतु विराजमान हो जाएंगे 6 नंबर में, वहाँ पर 6 नंबर लिखा होता है, तो वहाँ पर आपके केतु ऑलरेडी विराजमान है जहाँ पर राहु की दृष्टि पड़ रही है। यह संतान का भाव भी होता है, शिक्षा का भाव भी होता है। तो शिक्षा में जो भी आपकी समस्याएं आ रही थी, प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो वह आपकी दूर होने शुरू जाएंगी। जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा समय है, तो आप कुछ बेहतर कर पाओगे इन 18 महीनों के अंदर। और जिनकी कोई प्रेगनेंसी की समस्या आ रही थी, तो प्रेगनेंसी में यहाँ पर राहु देव आपको वरदान देंगे, यानी प्रेगनेंस होने में कोई समस्या आगे नहीं आएगी। इसके बाद इनकी 9वीं दृष्टि पड़ती है आपके पार्टनर, आपके व्यवसाय वाले स्थान में, या फिर हम ये कह सकते हैं आपके पति या पत्नी, आपके स्पाउस वाले घर में। तो उसमें जब राहु की दृष्टि जाती है तो थोड़ा यहाँ ध्यान देना पड़ेगा आपको, क्योंकि यहाँ पर 8 नंबर लिखा हुआ है। वृष राशि वालों के 7वां घर जो होता है, यहाँ पर 8 नंबर लिखा है, जो स्पाउस का घर होता है, जो पति पत्नी का घर माना जाता है, पार्टनरशिप का घर भी माना जाता है। तो यदि आप पार्टनरशिप में हैं, यहाँ थोड़ा बहुत वाद विवाद हो सकता है, पति पत्नी में आपस में कलह क्लेश भी हो सकता है, किसी बात को लेकर के मनमुटाव हो सकता है। 18 महीने आपको सतर्क रहना है। कहीं पर राहु की क्वालिटी है, यदि यह अपने दुश्मन वाले घर को देखता है, यानी जो इसके दुश्मन जैसे कि मंगल ग्रह है या कोई शनि ग्रह है, उनके घरों को देखेगा, तो कहीं ना कोई रिजल्ट थोड़ा बहुत खराब भी देता है। यदि अपने मित्र भाव में बैठा है या अच्छे भाव में बैठा है, तो बहुत अच्छे रिजल्ट भी देता है, यानी धन के मामले में देखा जाए तो बहुत अच्छा है, और थोड़ा संतान के बारे में भी देखा जाए तो अच्छा है। मेहनत कम करा के आपको अच्छा पैसा देगा या आपको अच्छा लाभ मिलेगा। इसके अलावा अपने परिवार में यदि आप शादीशुदा हैं, तो अपनी पर्सनल लाइफ में थोड़ा सा वाद विवाद होने से आपको बचाव रखना पड़ेगा। इसके बाद बात करेंगे शनि के बारे में। शनिदेव महाराज शश नामक पंच महापुरुष योग बना करके आपके 10वें भाव में बैठे हैं। 10वां भाव होता है कर्म का, जहाँ पर व्यक्ति कर्म करके अपना पैसा कमाता है, धन कमाता है, संचित करता है और आगे जाके अपने भविष्य को चलाता है, अपने परिवार को चलाता है। यहाँ पर शनि अपने ही खुद की राशि में, कुंभ राशि में विराजमान है, जो कि 17 जनवरी 2023 से यहाँ पर विराजमान हुए हैं। यह आपके भाग्य भाव से निकल करके आपके 10वें भाव में आकर के विराजमान हुए हैं। कुछ समय यह बकरी चल रहे हैं, यानी 17 जून से यह बकरी चल रहे हैं इसी भाव में, और यह 4 नवंबर तक बकरी रहेंगे, इसके बाद यह मार्गी हो जाएंगे।
और जिस दिन ये मार्गी होंगे 4 नवंबर को, इनकी सबसे पहली दृष्टि पड़ रही है आपके 12वें भाव में, जो मैंने आपको कहा है कि जो हॉस्पिटल का भी होता है, खर्चे का भी होता है, आउट ऑफ इंडिया ठीक है ना, अब्रॉड का भी होता है। तो इस काम में आने वाली जितनी भी अड़चनें आपकी लाइफ में आई हैं, वह सब स्वतः ही दूर होनी शुरू हो जाएंगी शनि की दृष्टि के कारण। 7वीं दृष्टि पड़ रही है आपके भूमि, वाहन, सुख एवं माता का स्थान, जो चतुर्थ भाव होता है, यहाँ पर इनकी 7वीं दृष्टि पड़ रही है, जिससे आपके आपको कोई भूमि का यह लेन देन का कोई मामला है तो वह सॉल्व होगा। यदि आप कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो प्रॉपर्टी लेने में आपको समस्या नहीं आएगी। इन आने वाले समय में यानी 4 नवंबर के बाद आपकी कई अभिलाषाएं शनिदेव पूरी करेंगे। माता के स्वास्थ्य के लिए भी ठीक रहेगा, यदि माता का स्वास्थ्य पहले बिगड़ा हुआ था या कुछ समस्याएं चल रही थी तो उसमें भी निजात मिलेगी, स्वास्थ्य ठीक रहेगा। भूमि, वाहन और गाड़ी वगैरह से आपको लाभ होगा, कोई ना कोई आप गाड़ी जरूर लेंगे, कोई प्रॉपर्टी ले सकते हैं ठीक है ना। तो कई चीज़ें आपकी शनिदेव महाराज सही करेंगे यहाँ पर, क्योंकि इनकी 7वीं दृष्टि आपके चतुर्थ भाव यानी सुख के भाव में पड़ रही है, तो आपको सुख से लाभान्वित करेंगे। अब इनकी अगली दृष्टि पड़ती है सप्तम भाव में। अब देखो 2 दृष्टियां पड़ गई यहाँ पर सप्तम भाव में, एक तो राहु की 9वीं दृष्टि और एक शनि की 10वीं दृष्टि। तो सप्तम भाव मैंने आपको बताया था स्पाउस का होता है, बिजनेस पार्टनर का होता है, तो यहाँ पर आपको बहुत सावधानी रखनी पड़ेगी, वाद विवाद से बचना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ पर शनि की दृष्टि पड़ रही है वह मंगल की राशि है सप्तम भाव, और जहाँ पर राहु की दृष्टि पड़ रही है, मंगल राहु का भी जो है दुश्मन है, तो यहाँ पर जो है वाद विवाद के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर आपको अंत में मैं आपको उपाय भी बताऊंगा क्या उपाय करना है, फिलहाल आप ये समझिए कि क्या क्या हो सकता है लाइफ में। हाँ, बिजनेस में आपकी ग्रोथ अच्छी होगी, लेकिन लड़ाई झगड़े से बचना है आपको, वाद विवाद से बचना है, क्योंकि दो दो ग्रहों की, राहु की और शनि की दृष्टि इस पे पड़ रही है। अभी एक दृष्टि और पड़ रही है, मैं आगे आगे बताऊंगा आपको। शनि की जो है अगली दृष्टि 10वें भाव में यानी 7वें भाव में 10वीं दृष्टि पड़ रही है, तो यहाँ पर आपको सतर्क रहना पड़ेगा अपने परिवार, अपने रिलेशनशिप में और अपने पार्टनरशिप जो भी है आपकी बिजनेस में, थोड़ा ध्यान देकर चलना पड़ेगा, ये जब तक राहु है और जब तक शनि है ठीक है। अब आगे बात करेंगे हम देव गुरु बृहस्पति के बारे में। तो देव गुरु बृहस्पति की सेम दृष्टियां होती हैं जैसे राहु और केतु की 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि होती है, इसी प्रकार से देव गुरु बृहस्पति की जो दृष्टि है वह आपके चतुर्थ भाव में पड़ेगी। कितना अच्छा संयोग बन रहा है, यहाँ से शनि की दृष्टि पड़ रही है 7वीं दृष्टि और वहाँ से गुरु की 5वीं दृष्टि, आपके सुख भाव में, प्रॉपर्टी भाव में, भूमि वाहन भवन के भाव में, यानी कोई आप मकान बना सकते हैं, विदेश यात्रा कर सकते हैं, कोई नई गाड़ी ले सकते हैं, कोई नई प्रॉपर्टी ले सकते हैं, माता के लिए जो सुख में कमी आई है वह सुख प्राप्त होगा, माता के स्वास्थ्य के लिए भी सही रहेगा। तो गुरु की जो 7वीं दृष्टि है वह पड़ रही है आपके 6ठे भाव में। 6ठा भाव होता है रोग, ऋण, रिपु, रिपु का अर्थ होता है शत्रु। तो यहाँ पर आपके कोई रोग की समस्या आ रही थी पिछले समय में, जब से जो है राहु गुरु शनि का इनका परिवर्तन हुआ था, तो कई समस्याएं आपकी रोग, ऋण, रिपु यानी शत्रुओं से भी निजात मिलेगी आपको। ऋण यदि कोई कर्जा आपके ऊपर है तो वह कर्जा देव गुरु बृहस्पति समाप्त करने की पूरी कोशिश करेंगे अप्रैल से पहले पहले, आपका काफ़ी जो है इसमें सुधार हो जाएगा देव गुरु बृहस्पति के कारण। और यदि आपको कोई रोग है, स्वास्थ्य प्रॉब्लम है, वह समस्या को सही करेंगे। अगली बात करेंगे चारों ग्रहों के विषय में। चारों ग्रह जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, केतु ग्रह जो है 6ठे भाव में, सॉरी 5वें भाव में यह विराजमान है, हो जाएंगे 30 अक्टूबर के बाद। 5वां भाव होता है संतान का, यहाँ पर मोस्टली जिनकी संतान होने में समस्याएं आ रही थी, सबसे पहले तो केतु महाराज उसको सॉल्व कर देंगे आपकी इस प्रॉब्लम को। और जैसे ही 5वें भाव में केतु आते हैं, इसके बाद जिनको प्रेगनेंसी नहीं हो रही थी तो प्रेगनेंसी होने के पूरे चांस हैं। और केतु और राहु यह पुरुष ग्रह हैं, इसमें मोस्टली जो है पुरुष संतान होती है घर में, यानी खुशियाँ आती हैं। 5वें भाव से इनकी दृष्टि पड़ेगी आपके भाग्य स्थान में, आपका धार्मिक चीज़ों की तरफ आपका ध्यान जाएगा, आपको ये होगा कि मैं धर्म स्थान में जाऊँ,
धार्मिक चीज़ें करने का मन करेगा, कोई माला जपने का मन करेगा, भगवान के दर्शन करने को मन करेगा। और यहाँ पर आपका अच्छा भी होगा, यदि आप कोई तीर्थ स्थान में जाते हैं, कोई भगवान के या कोई सिद्ध पीठ में जाते हैं, तो आपका उतना ही आपका भाग्य चमकना शुरू हो जाएगा, क्योंकि केतु की दृष्टि जब पड़ती है और व्यक्ति भाग धर्म स्थान में जाना शुरू करता है या धर्म के रिगार्डिंग कोई काम करता है, तो वहाँ पर व्यक्ति के जीवन को निखार देते हैं केतु महाराज। क्योंकि केतु धड़ है और राहु मस्तक है, सिर है, दोनों का बिल्कुल अलग अलग मैटर होता है, बिल्कुल एक जैसे नहीं चलते, एक पूर्व है तो दूसरा पश्चिम है। तो केतु की जो अगली दृष्टि पड़ती है वह आपके डिजायर वाले स्थान में पड़ती है, एक तो राहु वहाँ पर बैठे हैं, दूसरी केतु की दृष्टि पड़ेगी, तो बहुत ही अच्छे आपको रिजल्ट मिलने वाले हैं आने वाले समय में। यह मान के चलें 30 अक्टूबर से आपका समय अच्छा समय शुरू होगा और यह आगे जाके काफ़ी समय तक 18 महीने तक आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। उसके बाद के जो रिजल्ट हैं वह शनिदेव महाराज आपको देंगे। तो इसके बाद जो इनकी अगली दृष्टि पड़ती है, प्रथम भाव जिसको हम लगन कहते हैं, लगन में केतु का दृष्टि पड़ना थोड़ा क्रोधी स्वभाव हो सकता है, एकदम से मुंह फट हो जाना, एकदम से कोई बात किसी को बोल देना, तो इन चीज़ों का थोड़ा आपको ध्यान रखना है। कुल मिलाकर के आप 0 से हीरो बनने वाले हैं। 4 ग्रहों का परिवर्तन, परिवर्तन 9 ग्रहों का परिवर्तन है, लेकिन यहाँ पर मैंने जो लंबे समय तक चलने वाले हैं, जिनका परिवर्तन लंबे समय तक एक ही घर में रहेगा, उनकी बात मैंने आज की है, आपको उसी की बात बताई है, उसी के बारे में आपको जानकारी दी है। तो कुल मिलाकर के आपकी 90% बहुत अच्छा जो है गोचर जाने वाला है। तो एक दान बता रहा हूँ, उसको जरूर अवश्य करें, यदि हो सके तो महीने में एक बार अपने वजन के बराबर हरा चारा गाय को जरूर खिलाएं, और मंदिर में कम से कम हफ्ते में एक बार आप एक जटा वाला नारियल जरूर अर्पित करें भोलेनाथ को या महावीर को या राधा कृष्ण जी को, किसी भी मंदिर में आप चढ़ा सकते हैं अपने माथे से लगा करके। इससे कोई आपके जीवन में जो 10% कोई मुसीबतें भी आती हैं तो वह आपको पता नहीं चलेगा कहाँ दूर हो गई। कुल मिलाकर के 90% आपकी कुंडली बहुत अच्छी है, प्रॉपर्टी के मामले में, संतान के मामले में, शिक्षा के मामले में, विदेश ट्रैवलिंग के बारे में मामले में, या फिर आपके स्वास्थ्य के मामले में, हर जगह से जो मैं देख पा रहा हूँ गोचर में, तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। 30 अक्टूबर आप तैयार हो जाएं और अपनी मेहनत करें, बिना मेहनत का कुछ नहीं मिलता, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, उस मेहनत का फल यह 4 ग्रह आपको देंगे देंगे। तो यदि आपको आज की यह जानकारी अच्छी लगी हो, वृष लगन वाले या वृष राशि वाले या सभी जो भी मेरे दर्शक हैं, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं या जो भी नए दर्शक यहाँ पर आ रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं चाहूँगा वह मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि भविष्य में और भी मैं कई वीडियोज़ डालूंगा जिसकी जानकारी आपको तुरंत मिले और सबसे पहले आप उसको देखें। इसके लिए नोटिफिकेशन बेल को ऑल कर दें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने सभी मित्रों के साथ शेयर करें। इसी के साथ आज की इस जानकारी को मैं यहीं विराम देता हूँ। नमो नारायण, जय जय श्री राधे।